वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। हमारे पास ये इक्वेशन है, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इसमें जो वेरिएबल है हमारे पास वो z है, ठीक है। तो हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कर लेते हैं कि 6 इज़ इक्वल टू z प्लस 2 है। तो अगर हम इस तरह लिख लें कि z प्लस 2 को पहले लिख लें और बाद में इज़ इक्वल टू 6 कर लें, तो हम कर सकते हैं ना कि जब ये इसके इक्वल है तो ये भी इसके इक्वल है। तो इसको हम लोगों ने पहले लिख लिया और इसको बाद में लिख लिया। अब हमने क्या करना है, z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। z को यहीं पर रहने देंगे, इक्वल टू 6 का 6 प्लस 2 है, तो यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, माइनस 2, ठीक है। जब भी कोई टर्म या वैल्यू यहाँ से, ठीक है, उस साइड पे जाती है हमारे पास, इस साइड से इस साइड पे या इस साइड से इस साइड पे आती है, तो हमारे पास क्या हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है। प्लस टू है तो यहाँ पर आके क्या हो जाएगी, ये माइनस टू हो जाएगी, ये टर्म इसका साइन चेंज हो गया। अब क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो सिक्स में से टू को माइनस करें तो फोर आ जाएगा, और जी की वैल्यू क्या आ गई, फोर आ गई, ठीक है। तो हमने जी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली।